वहीं भोपाल में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों का परिसीमन निरस्त कर दिया है। राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश 2021 लागू कर दिया। वहीं पंचायत चुनाव के परिसीमन रद्द करने पर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। अब पूर्व मंत्री रामपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पंचायतों के परिसीमन रद्द करने पर पूर्व मंत्री रामपाल सिंह की उन्होंने बयान देते हुए कहा और साथ ही सरकार का बचाव किया है। पूर्व मंत्री रामपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने राजनीतिक फायदों के लिए पंचायतों में तोड़ मरोड़ की थी और भौगोलिक दृष्टि से जनता को, राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस को परिसीमन से फायदा था, इसलिए कमलनाथ के किए गए पंचायतों के परिसीमन को सरकार ने रद्द किया है। हमारा सीधा मानना है कि पंचायतों में बहुत तोड़ फोड़ किया है। 10-10-15 किलोमीटर एक गांव को मिला दिया, एक बेगमंज में एक गांव मिला दिया और 15 किलोमीटर घूम के जाएंगे। 15 महीने में इतना बेलाई काम, बेकार काम कांग्रेस ने किए हैं, उसका तो हम घोर विरोध करेंगे। 20 किलोमीटर एक पंचायत का गांव में वोट डालने आएगा, नदी बीच में, ऐसा 15 महीने में इनने जो मचाया था उसको हमने भी निवेदन माननीय मुख्यमंत्री जी को किया है कि इनका जो परिसीमन है उसको निरस्त किया जाए और भौगोलिक दृष्टि से जो गांव जुड़े हुए, गांव से गांव लगे हुए, एक गांव जा रहा है दूसरे गांव से निकल के तीसरे गांव में जा रहा है, वहां पंचायत मिला दी। इस तरह का नहीं करना चाहिए, सरकार को सोच समझ के काम करना चाहिए। भौगोलिक स्थिति है, गांव लगा हुआ है, आप उसको उस गाँव से मिला दीजिए। आप एक गाँव लगा हुए लगे गाँव को 15 किलोमीटर दूर पंचायत में जोड़ा, ऐसे कई उदाहरण हमारे बेगम सिलवानी में